नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन एक बार फिर से मायावती चर्चा में आ गई हैं। दरअसल मायावती ने हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया, उनको कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया, उसके बाद से मायावती की रणनीति को लेकर के कई सवाल उठने लगे कि आखिर मायावती ने इतना बड़ा एक्शन अपने ही भतीजे के खिलाफ क्यों लिया। उसके बाद से देखा गया कि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद जो सबसे बड़ा नाम उस लिस्ट में था वो था आकाश आनंद का, और मायावती ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर क्यों दे दी। बताते चलें कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जब आकाश आनंद जनसभाओं में अपनी बातों को रख रहे थे और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हो रहे थे और मुद्दों को रख रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के जो मुद्दे, कहीं ना कहीं बीएसपी का जो खोया हुआ सियासी रसूख है उसमें वापसी देखने को मिल रही थी। और जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं, समर्थक हैं और कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन रातों रात जिस ढंग से मायावती ने अपने फैसले को बदला और कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से आकाश आनंद को हटा दिया, उसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिर मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। दरअसल आकाश आनंद जिस तरीके से अपने जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे थे, इसको लेकर के उनके ऊपर FIR भी, और यही वो बड़ा कारण है कि मायावती को मजबूरन जो है आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। लेकिन जिस ढंग से मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारकों में जो आकाश आनंद का नाम दिया है, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मायावती जो है आकाश आनंद को दोबारा उत्तराधिकारी जो है घोषित करेंगी, क्या बीएसपी के जो कमान है वो आकाश आनंद के हाथ में दोबारा जाएगा। ये तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं मायावती को लेकर के उठ रहे हैं, और माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद एक बार फिर से बीएसपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जिस ढंग से मायावती ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद का नाम जो है दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती को इस बात का एहसास हो चुका है कि आकाश आनंद के जनसभाओं से और आकाश आनंद की सड़कों पर निकलने से कहीं ना कहीं बीएसपी का जो खोया हुआ सियासी रसूख है। आकाश आनंद और मायावती की इस रणनीति को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना पॉलिटिकल बाइट के साथ।